या ओके जानू ये टाइटल वाज सजेस्टेड व्हाट वाज द डील विद द टाइटल ये तो रियलाइज इज अ रीमेक ऑफ एन तमिल फिल्म का नाम था ओके करमणि ट्रांसलेट करोगे तो इट इज ओके डार्लिंग दे लाइक द आइडिया ऑफ ओके इन द टाइटल एंड दे वर लुकिंग फॉर वर्ड्स ओके बाबू ओके बाबा ओके स्वीटी ओके बेबी ओके दिस ओके दैट बहुत सारे ऑप्शंस थे पर जानू उनको लगा था कि इट गिव्स यू अ नाइस काइंड ऑफ प्लेफुल देयर वाज जस्ट समथिंग देयर इज एक्चुअली नो रियल एक्सप्लेनेशन इट्स जस्ट इट काइंड ऑफ फील्स राइट इफ इट्स अ मणिरत्नम फिल्म आई अंडरस्टैंड नाउ शादी इज डायरेक्टिंग इट So the expectations are very high. So ये pressure है आप लोग को दोनों को? नहीं एक तरफ pressure है एक तरफ confidence भी मिल जाता है क्योंकि वो film इतनी बड़ी hit थी इतना प्यार मिला है उनको वो screenplay also accept हुआ है already. Right. तो ये ना film में when you feel like that's happened with the film that you're remaking और हमने इतना कुछ change नहीं किया original से. Right. तो we feel like this is a beautiful film it flowed so well. So you feel confident as well. But of course pressure तो हर एक film की release के पहले तो आप आपको ऐसे कौन से वियर्ड प्यार वाले लवली वाले बिलवड प्यार करने वालों के पैटर्न सुनने के लिए मतलब बाबू बाबा कुछ मेरा तो सबसे वियर्ड है चिकन लव यू चिकन मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने हस्बैंड को माउस बुलाती है माउस ऐसे करके रेफरेंस क्या क्या लिया आपने मतलब द ओरिजिनल से We love the performances and क्योंकि situations हमारी फिल्म में भी original से बहुत मिलते हैं We felt like we watched it once, we didn't watch it again and again क्योंकि it was important कि हम वो characters को अपना खुद का interpretation और characteristics लाएं But yeah, the original was beautiful and we kind of took as much as we could from it So audience को क्या expect करना चाहिए इस फिल्म में प्यार and दो लोगों की ऐसी कहानी है जो मतलब बहुत ही डिफरेंट है बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकता है किसी की जिंदगी में बिल्कुल आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाई द ऑडियंस शुड गो एंड वॉच इट जैसे आपने कहा कि आई थिंक कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ ये हो सकता है हमारी जिंदगी में डेफिनेटली डायरेक्टर साहब के बारे में कुछ बताइए डायरेक्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया है आप लोग को शूट किया है शाद अली जी आई थिंक ही इज अ पटाखा ही इज अ फुल फायर क्रैकर जिस तरह से वो डायरेक्ट करते हैं जिस तरह से उन्होंने हमें चीज़ें सीन समझाए एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स उनके बारे में ये है कि उन्होंने हमें एक छूट दी कि अगर आपको जो भी ट्राई करना है आप वो ट्राई कर लो तो आई रियली लव दैट अबाउट हिम सो सेकंड मूवी टुगेदर तो व्हाट्स द वाइब ब्रो वाइब कैसा है मतलब जब आपको पता चला कि यार ए श्रद्धा ए आदित्य ए व्हाट्स द वाइब यार ए भाई वाइब वाइब वैसा ही था बहुत कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है और बिल्कुल पहला ही जैसा था जैसा में इतना फ्री थे इतना मजा आया इतना स्पॉन्टेनिटी से जैसा हमने काम किया उस वैसा हमने इस फिल्म में किया है बहुत मजा आया सेट्स पे परेशान किया गया अरे अरे सेट्स पे किसे किसको परेशान किया वाइब में वाइब में परेशान भाई क्योंकि हम वैसे भी समर में शूट कर रहे थे भोपाल तो वैसे भी मूड थोड़ा ऑफ था और एक दूसरे को परेशान करते तो फिर भाई वाइब बनता ही नहीं था सो वी वर जस्ट कीपिंग इट हैप्पी कूल लाइक दैट व्हिच वाज अ वन डिफिकल्ट सीन टू एक्ट क्योंकि हम रोड्स पे शूट कर रहे थे ना और रोड पे जब आप शूट कर रहे हो तो उस एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है तो व्हेन वी ऑन अ बाइक कैमरा आगे वाली गाड़ी में होता है या पीछे एंड यू नो वी कांट लेट एनी अदर पीपल कम इनटू फ्रेम बट समटाइम्स बाइकर्स विल कम पीपल विल कम इन द कार एंड शाउट योर नेम आदि श्रद्धा तो यार हम लोग वी आर ट्राइंग टू बी इन कैरेक्टर वी आर ट्राइंग टू से आवर लाइंस एंड इफ पीपल आर शाउटिंग आवर रियल नेम एंड ट्राइंग टू कम इनटू फ्रेम वो सब रियल लोकेशंस में रोड पे शूट करना काफी मुश्किल होता है सो फाइनल मैसेज टू योर आवर रेड एफएम के लिसनर्स आप देना चाहते हैं हां जी बिल्कुल बिल्कुल 13th ऑफ जनवरी जो है 13th ऑफ जनवरी को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है प्लीज रोमांस है एंटरटेनमेंट है श्रद्धा कपूर है अरे और क्या रॉय कपूर है रोमांस है प्लीज गो टेक योर फ्रेंड्स जानू होने वाले जानू प्लीज गाइस गो एंजॉय गो एंड वॉच इट या थैंक यू